नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम एस सी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर टू की इंटरनल एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है और मैं आप सभी को बता दूं कि इंटरनल एग्जाम में जो पेपर स्टाइल है वो सेमेस्टर वन की तरह है, जिस तरह आपकी सेमेस्टर वन की इंटरनल एग्जाम हुई थी। और कल के अकाउंट के पेपर में 25 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के जो MCQ है वो पूछने में आएंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट का सीट नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो अब वो सब लोग चिंता बिल्कुल ना करें, री इंटरनल एग्जाम वापस होगी और जो री इंटरनल एग्जाम है वो मई एंड मंथ या फिर जून स्टार्टिंग मंथ में कंडक्ट की जाएगी, तब आप सब लोग री इंटरनल एग्जाम दे देना। और रही बात कि FI बीकॉम सेमेस्टर टू के इंटरनल के जो 7 पेपर हैं उसमें से अगर आप कोई पेपर स्किप कर रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, री इंटरनल एग्जाम होगी तब आप उसमें अपियर कर सकोगे जो पेपर आपने नहीं दिए हैं। अब हम बात करेंगे कल के सब्जेक्ट अकाउंट सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। MCQ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और एग्जांपल सम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट नंबर 1 में एग्जांपल सम की। तो एग्जांपल सम में यूनिट नंबर 1 में दो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल ऑफ सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। तो ये दो एग्जांपल थे यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 2 एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल ऑफ ब्रांच अकाउंट एंड एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट, दो एग्जांपल यूनिट नंबर 2 के। अब हम थियरी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो थियरी क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 मेथड्स ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेथड्स ऑफ मैक्सिमम लॉस मेथड, दो एग्जांपल थे, दो थियरी क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 2 थियरी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंट, टाइप्स ऑफ ब्रांच एंड लास्ट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट। तो ये 5 थियरी क्वेश्चन यूनिट 1 और 2 को मिलाकर मैंने बताए और 4 एग्जांपल यूनिट 1 और 2 को मिलाकर मैंने बताए। और कल के पेपर में आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो सीट नंबर है जनरेट हो चुका है लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में दिखा नहीं रहा है, तो उनको मैं क्लियर टू कट कह देना चाहूँगा कि जिस बिल्डिंग पर आपका एडमिशन है कल वहाँ पर सुबह 10 से 15 मिनट पहले जल्दी पहुँच जाना, सुपरवाइजर आपको वहाँ आपकी क्लास में बिठा देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्लास में रोज़ जाकर बैठना है। तो ये थी फिलहाल की अपडेट। ऑल द बेस्ट।